हेलो एवरीवन, माय नेम इज मुदित गुप्ता। दिस इज द नेक्स्ट लेक्चर इन आवर MM20 सीरीज, जिसमें हम कवर कर रहे हैं पिछले एक साल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स दैट आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस ईयर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। आई होप आपकी प्रिपरेशन एकदम बढ़िया चल रही होगी। लेस देन 70 डेज आर लेफ्ट नाउ, सो जस्ट गियर अप एंड डोंट फील एनी सॉर्ट ऑफ प्रेशर, एंग्जाइटी और एनी सॉर्ट ऑफ यू नो, कोई भी प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तैयारी अभी से ठीक से करोगे तो एग्जाम में आप स्कोर अच्छा ही करोगे। जस्ट स्टे पॉजिटिव। राइट, to subscribe to an academy plus you can use my referral code Mudit Gupta for 10% discount. If you're using this referral code you'll get a 10% discount on an academy plus live classes. Kafi sare plus courses mere aa rahe, including international relations, economy, polity, bare analysis of Indian constitution, current affairs aur CSAT. Bahut sare courses an academy plus pe live and exclusive. Agar ye referral code use karte hain to mere hi nahi balki sare an academy educators ke lectures ka aapko live aur recorded dono hi tarike ka access milega. So do subscribe to an academy plus. So first topic for this lecture is ocean plastics charter. Basically, to promote the sustainable use of plastic, to reduce single-use plastic, ये oceans plastic charter जो है ये force में लाया गया। मतलब कि जो plastic होता है, आप ऐसे समझो, ये दो तरीके का होता है। एक होता है single-use plastic, कि जो आपने एक बार यूज़ करा और फिर उसे फेंक दिया। फॉर एग्जाम्पल, प्लास्टिक का ग्लास जिसमें हम लोग कभी कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेते हैं, वो ग्लास में आपने एक बार कोल्ड ड्रिंक ली, कंज्यूम करी और उसके बाद वो ग्लास आपने फेंक दिया। सिंगल यूज प्लास्टिक, इसी तरीके से आपका स्ट्रॉ हो गया, आपका पेन हो गया, जो बॉल पेन आता है 2 रुपीज़ वाला, आपने कभी यूज़ करा होगा, उसकी एक बार इंक खत्म हो जाती है तो उसमें आप रीफिल वगैरह नहीं डाल सकते दोबारा। सिंगल यूज़ प्लास्टिक, एक बार ही वो ख़त्म तो वो ख़राब है। फिर सिंगल यूज़ प्लास्टिक, ऐसे प्लास्टिक को हमारे को एलिमिनेट करना है और हमारे को प्रमोट करना है क्या, ऐसा प्लास्टिक जिसको हम सस्टेनेबली यूज कर सकें, ऐसा प्लास्टिक जिसको हम सस्टेनेबली यूज कर सकें, जिसको रिसाइकिल कर सकें, जिसको रिन्यू कर सकें। इस तरीके के प्लास्टिक को यूज करने के लिए, इस तरीके के प्लास्टिक की कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए हमने अडॉप्ट करा ओशन प्लास्टिक्स चार्टर। बेसिकली एनवायरमेंट में एक टर्मिनोलॉजी होती है जिसका नाम है एंड ऑफ लाइफ मैनेजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, ना कि सिर्फ प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बट मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कीवर्ड, एंड ऑफ लाइफ मैनेजमेंट। कि मतलब लेट अस से ये एक प्लास्टिक का ऑब्जेक्ट है, इसकी लाइफ खत्म हो गई, ये जो ऑब्जेक्ट है इट कैन नॉट बी यूज नाउ। तो अब इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, या तो इसे डस्टबिन में डाल देंगे या फिर इसको रिसाइकिल करेंगे, रिन्यू करेंगे और रीयूज करेंगे। ओशन प्लास्टिक चार्टर कहता है कि हमारे को इस तरीके के प्रोडक्ट्स बनाने हैं, इस तरीके का प्लास्टिक बनाना है जहां पे हम एक प्लास्टिक की एंड लाइफ मैनेजमेंट कर सकें, मतलब कि उसे रिन्यू कर सकें, उसकी लाइफ खत्म होने के बाद उसे रीयूज कर सकें, उसे रिकवर कर सकें। तो सिंगल यूज प्लास्टिक्स का जो हमारे को यूज है वो हमारे को एलिमिनेट करना है, क्योंकि क्या देखने को मिला है कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक हैं लोग उसे यूज करके डंप कर देते हैं और अल्टीमेटली उससे लैंड पोल्यूशन हो जाता है, सॉइल की क्वालिटी खराब हो जाती है और जो हमारी वाटर बॉडीज हैं उसमें भी वो प्लास्टिक चला जाता है। अब आपको पता ही है कि हमारे लिए मरीन बायोडाइवर्सिटी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर प्लास्टिक जो है वो मरीन बायोडाइवर्सिटी में चला गया तो आपने देखा होगा कई बार नेशनल ज्योग्राफिक पे या दूसरे चैनल्स पे आता है कि जो वेल्स होती हैं, डॉल्फिन्स वगैरह होती हैं, उनकी बॉडी के अंदर से प्लास्टिक निकलता है कितना सारा, या फिर जो फिशेज होती हैं, टर्टल्स होते हैं, वो उन प्लास्टिक के सामान को कंज्यूम कर लेते हैं, या फिर कोई अगर प्लास्टिक का कोई ऐसा पॉलीथीन है या ऐसा कुछ है तो वो फिशेज के फिन्स में या फिर टर्टल के गले में अटक जाता है और फिर उनकी डेथ हो जाती है। तो मरीन बायोडाइवर्सिटी के लिए जो प्लास्टिक है काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है। तो यहाँ पे ये देखने को मिला कि जो ये प्लास्टिक है, सिंगल यूज प्लास्टिक, इसकी वजह से लैंड और वाटर दोनों ही तरीके का पोल्यूशन जो है इंक्रीज हो रहा है। और जैसा कि आपको पता है कि प्लास्टिक क्या होता है, प्लास्टिक इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो अगर आप इसे डंप कर भी रहे हो तो ये सालों साल, डिकेड्स तक वहीं सॉइल में पड़ा रहेगा, ये डिग्रेड नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी डेड लीफ या किसी एनिमल की डेड बॉडी को अगर हम सॉइल में डाल दें तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उसे डीकम्पोज करके उसके न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में मिला देते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग इन अ वे, लेकिन प्लास्टिक के साथ ऐसा नहीं होता। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए G7 ग्रुप ऑफ कंट्रीज ने ओशन प्लास्टिक चार्टर अडॉप्ट करा। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ आया होगा कि एग्जैक्ट विजन क्या है और पर्पस क्या है ओशन प्लास्टिक चार्टर को अडॉप्ट करने का बाय द G7 ग्रुप ऑफ कंट्रीज। G7 ग्रुप ऑफ कंट्रीज में 7 में से सिर्फ 5 कंट्रीज ने इसे अभी अडॉप्ट करा है, कनाडा, UK, फ्रांस, जर्मनी और इटली। इन 5 देशों ने, जो G7 के 5 देश हैं, इन्होंने अडॉप्ट करा है, अभी तक
यूएस और जापान ने इसे अडॉप्ट नहीं करा है, राइट? तो G7 में भी अभी यहाँ पे इतनी यूनिटी देखने को नहीं मिल रही है। इससे हमारे को ये पता चलता है कि जो यूएस है वो एनवायरनमेंट को इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहा है, क्योंकि इन्होंने 2015 का जो पेरिस क्लाइमेट डील था उससे भी एग्जिट कर लिया था, साथ के साथ जो 1997 का क्योटो प्रोटोकॉल था उससे भी एग्जिट कर लिया था। तो अभी तक जितने भी मेजर एनवायरनमेंट रिलेटेड कन्वेंशंस, अग्रीमेंट्स और ट्रीटीज़ हुए हैं, यूएस ने उसमें कोई बहुत ज़्यादा एनकरेजिंग रोल नहीं प्ले करा है। और इस वजह से यहाँ पे भी ओशन प्लास्टिक चार्टर में यूएस ने कहा कि मैं इसे अभी साइन नहीं करूँगा। अगला टॉपिक है FLYGSKAM। FLYGSKAM बेसिकली एक एक्रोनिम है यूज्ड फॉर फ्लाइट शेमिंग। बेसिकली जो ग्रेटा थनबर्ग वाला मूवमेंट है, ये उस मूवमेंट के टाइम पे पूरा का पूरा FLYGSKAM निकल के आया। FLYGSKAM का मतलब होता है, बेसिकली आया कहाँ से, साइंटिस्ट ने ये निकाला है कि जो एयरप्लेन्स होते हैं, जो एरोप्लेन्स होते हैं, जो हम फ्लाइट्स में ट्रैवल करते हैं, सबसे ज़्यादा कार्बन एमिशन जो होता है वो एयरप्लेन से होता है। अगर हम सारे मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को कंपेयर करें, रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज, तो जो सबसे ज़्यादा कार्बन एमिशन होता है वो एयरवेज से होता है। मतलब कि जो प्लेन्स हैं वो सबसे ज़्यादा कार्बन एमिशन करते हैं, राइट? अगर हम डेटा को कंपेयर करें, देन इन एयरवेज देयर इज 285 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड पर पर्सन पर किलोमीटर। अगर एक व्यक्ति प्लेन में ट्रैवल कर रहा है तो हर एक किलोमीटर के बाद वो 285 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है। अगर वो ट्रेन में ट्रैवल कर रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ 14 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है पर पर्सन पर किलोमीटर। रोडवेज में दिस इज 158 ग्राम पर पर्सन पर किलोमीटर। तो यहाँ पे जो डेटा के अकॉर्डिंग हमारे को दिखाया गया वो ये दिखाया गया कि ट्रेन जो है उसमें सबसे कम कार्बन एमिशन होता है एज कम्पेयर टू एयरवेज एंड रोडवेज। तो FLYGSKAM यहाँ पे एक वर्ड है जो आजकल स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में और यूरोप में काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है। क्या? कि फ्लाइट्स मत लीजिए, अगर आपको ट्रैवल करना है तो ट्रैवल थ्रू ट्रेन्स, बिकॉज दे आर लो कार्बन एमिटिंग। तो ट्रेन यूज़ करिए, इवन रोड्स भी यूज़ कर सकते हो, बट प्रेफरेबली ट्रेन्स, सच एज हमारी मेट्रो हो गई, लोकल ट्रेन्स हो गई, ये सब यूज़ देम, दे आर मच मोर इफेक्टिव इन टर्म्स ऑफ कार्बन एमिशन। एंड अवॉइड the use of planes, avoid taking flights. That is what is FLYGSKAM is. International Civil Aviation Organization जो है, जो पूरे दुनिया के सिविल एविएशन को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, उसके लिए रूल्स बनाता है, उन्होंने कहा कि आज की तारीख में दुनिया में जितने भी कार्बन emissions हो रहे हैं उसमें से 2% ऑफ द emissions आर बिकॉज ऑफ द एयर सेक्टर। 2% emissions जो है वो एयर सेक्टर की वजह से हो रहे हैं। अगर हम बात करें एयरक्राफ्ट की, देन अपार्ट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, दे ऑल्सो रिलीज नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड इज केपेबल ऑफ ट्रैपिंग द हीट एट हायर ऑल्टीट्यूड्स। आपको पता होगा कि जो एयरप्लेन है कहाँ उड़ता है, वो उड़ता है अपर ट्रोपोस्फियर में या फिर लोअर स्ट्रेटोस्फियर में। तो क्योंकि प्लेन जो है वो काफ़ी हाई ऑल्टीट्यूड्स पे उड़ रहा है, अर्थ से काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाके, राइट? इसका मतलब यह है कि अपर ऑल्टीट्यूड्स में वो नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज कर रहा है, जिसकी वजह से जो ट्रैपिंग ऑफ हीट वेव्स है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारे के सारे कंपाउंड्स हैं जो एयरक्राफ्ट जो है रिलीज करता है। ऑल्सो क्योंकि एयरक्राफ्ट जो है स्ट्रेटोस्फीयर में उड़ते हैं, लोअर स्ट्रेटोस्फीयर में, तो कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि जो ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है उसमें भी एयरक्राफ्ट्स का काफ़ी बड़ा हाथ है। तो इस वजह से FLYGSKAM जो है वर्ड निकाला गया, दैट ट्रेन्स ओवर प्लेन्स, ये इसका मोटो है, राइट? और वीडियोस अपलोड करूँ इसके बाद रिलेटेड टू करंट अफेयर्स, स्टे ट्यून्ड, गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर लेक्चर आ रहा है इसके बाद बहुत जल्दी। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू यूज माय रेफरल कोड मुदित गुप्ता टू सब्सक्राइब टू एन अकेडमी प्लस। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर ऑल द अपडेट्स।